अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो बेसिकली आई वाज एक्चुअली आउटसाइड, मैं थोड़ा बहुत एक वीडियो वगैरह बनाने के सिलसिले में गया हुआ था, तो मेरे सेलफोन मुसलसल पूं 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 बच बच के खत्म परेशान करने शुरू कर दिया. अ लॉट ऑफ गाइस वर टेलिंग मी अबाउट दिस न्यू मोटरसाइकिल दैट एक्चुअली केम आउट फ्रॉम ज़ेमको. इट्स लीफान V16 वी ट्विन क्रूज़र. तो अगर आप लोगों को शायद याद हो कि 1990s के अंदर एक बहुत पॉपुलर फिल्म थी टर्मिनेटर 2, और उसके अंदर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आता था और ही वाज राइडिंग दिस मोटरसाइकिल. वो थी बेसिकली, वहाँ से उसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हुई. इट वाज अ हार्ली डेविडसन फैट बॉय. तो उसी की तरह की बेस के ऊपर बहुत सारी मोटरसाइकिल्स आई हैं. उसके बाद समझे कि यामा की वी स्टार आई है, कावासाकी की वल्कन आई है, इसी तरीके के ऊपर सुजुकी की बुलेवार्ड आई है. तो हर कंपनी ने अपनी एक वी ट्विन स्टाइल की मोटरसाइकिल निकालने शुरू की, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ वी ट्विन. बेसिकली मीन्स कि उसके डुअल सिलेंडर होते हैं और डुअल सिलेंडर हेड्स कह लीजिए, और इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ वी शेप. इधर इट्स 45 डिग्री और इट्स 60 डिग्री और इट्स एन एल शेप, काइंड ऑफ लाइक ए 90 डिग्री वी ट्विन. तो दिस वन हियर अपेरेंटली इज़ अ 60 डिग्री वी ट्विन मोटरसाइकिल. अब इसके अंदर लीफान V16 के अंदर या वट एवर ज़ेमको हैज़ चोजन टू नेम देयर लोकल ब्रांड ऑफ दिस थिंग, इन दोनों के अंदर क्या चीज़, सबसे पहले तो इसकी प्राइस पे बात कर लेते हैं. 4,25,000. हमारे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि यार इट्स अ स्टीप प्राइस. तो मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम गोना टेल यू व्हाई दिस इज़ बेटर देन अदर स्टफ दैट्स बीइंग सोल्ड. देखिए, 4,25,000 के अंदर, अगर आपको शायद याद हो, 5,00,000 के अंदर सिग्मा ने निकाली थी अपनी, सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स लाहौर वालों ने अपनी निकाली थी मोटरसाइकिल, जिसको वो चॉपर कह कह के बेच रहे थे, 5,00,000 रुपए की थी. वो भी लोगों ने ख़रीदने की कोशिश की थी. अब शायद उसका एक रीज़न ये है कि लोग ज़ेमको से इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे लो प्राइस, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी नॉक ऑफ इम्पोर्टर्स को, ये जो कॉपीज़ बना बना के कॉपीज़ इम्पोर्ट करते हैं, रेप्लिकास इम्पोर्ट करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा टफ टाइम अपनी इस मोटरसाइकिल की PR 200 की वजह से दिया था, कि सब 300,000 की रेंज के अंदर वो लेकर आ गए थे. वो मोटरसाइकिल जो 4,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए की बिक रही थी, यहाँ पर 2,50,000 रुपए के अंदर इंट्रोड्यूस करा दी थी. तो शायद इस वजह से रीज़न है कि दीज गाइज वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर आउट ऑफ ज़ेमको, कि भाई कम अज़ कम 3-3.5 लाख में होती तो बात समझ में आने वाली थी, विच आई अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अ बिट फर्दर. अब मैं आपसे बात करता हूँ कि वाई दिस इज़ बेटर देन दोज चीप नॉक ऑफ्स, और मेरे हिसाब से क्यों बेहतर है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अ क्रूज़र. तो ये मत पूछिएगा कि मैं इसको अल्लाह भला करे ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ नहीं कर सकता. क्रूज़र की सेटिंग इस तरीके की होती है, उसकी सीटिंग पोजीशन इस तरीके की ऊपर होती है, आपके पाँव ऐसे आगे रिलैक्स पोजीशन के अंदर होते हैं. दीज आर मेड फॉर टूरिंग ऑन स्ट्रेट रोड्स. ठीक है, ये ऑफ रोडिंग की बाइक्स नहीं है. आप परेशान हो जाएंगे. ठीक है, तो इस चीज़ को अपने जहन के अंदर रखिएगा. हेली पास दी हुई हैं, सो इट्स अ मोर ऑफ अ रिलैक्स राइडिंग थिंग. हाँ, अगर आप बलोचिस्तान के एरिए के अंदर और दूसरे एरियाज में जहाँ पर स्ट्रेट रोड्स हैं लंबी, वहाँ पर आप चलाने के शौकीन हैं, आई थिंक दिस इज़ अ गुड परचेस. फॉर अ 248.8 समथिंग क्यूबिक सेंटीमीटर, ये तकरीबन 249 सीसी बनाती है ये मोटरसाइकिल, और उसके ऊपर ये देती है 18.5 विच में 18.5 हॉर्स पावर. अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उसकी बड़ी बात यह है कि जो नॉक ऑफ्स आ रहे थे और उन्होंने जब निकाली थी अपनी 250 सीसी के को चॉपर कह कह के, तो इट वाज मेकिंग 16 हॉर्स पावर. और उसके अलावा ये जो दूसरी कंपनीज आई थी, एक दो चाइनीज़ कंपनीज़ आई थिंक डायून और समथिंग, उन्होंने जब पहले इनिशियली निकाली थी, मुझे अभी नहीं पता वो क्या नया लेकर आए हैं, तो उस बाइक का सबसे बड़ा इशू ये था कि दैट बाइक वॉज नॉट क्रॉसिंग 80 किलोमीटर्स एन आवर. This thing actually is claiming to be crossing 120 kilometers an hour. और मैं समझता हूँ कि you can cruise at 120 kilometers an hour on this motorcycle. Simply क्योंकि इसकी power to weight ratio जो है काफ़ी ज़्यादा है, और उसके अलावा यह है कि इसके अंदर उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इन्होंने ये समझें कि parts अच्छे दे रखे हैं. Plus this bike has the capability of going that way. Looking at the engine, इट्स ए डुअल सिलेंडर इंजन, तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है, इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है. तो दीज आर सम ऑफ माई थाट्स, और लेट्स हैव अ लुक के इनकी ऑनलाइन क्या स्पेक्स मौजूद हैं. लीफान की एक प्रोडक्ट है, इन्होंने इसकी जो हेडलाइट ली है हार्ली डेविडसन के फैट बॉय से, इन्होंने इसका बेसिकली शेप ले लिया है, और इसकी जो हेडलाइट ले रखी है इन्होंने, ये इन्होंने ली है अपनी हार्ली डेविडसन वी रॉड मसल से.
तो काफ़ी इन्होंने इधर उधर से डिज़ाइन क्यूज़ ले रखे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब कंपनी की अपनी प्रोडक्ट होती है इस रिलेटिवली बेटर कि आप किसी दूसरी तीसरी ये समझें कि या इनके इंजन उठाकर किसी और गाड़ी में लगाएं, तो यू नॉट गोना गेट द सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। तो इट हैज़ अ वाइड प्रोफाइल रियर टायर, अबाउट 15 इंच की रेम है पिछली। तो कंसिडर दिस मोटरसाइकिल इफ दिस इज़ योर थिंग, ठीक है। इट्स अ लो राइडिंग पोजिशन, थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की हैंडलिंग होती है, एज आई एम गोना शो यू इन सम ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज। आयरोनिकली आई वॉज एक्चुअली रिकॉर्डिंग अ रियल चॉपर वीडियो, या सॉरी दिमाग को चॉपर घुस गया की सुन सुन के। तो आई वॉज एक्चुअली आउट रिकॉर्डिंग अ रियल क्रूजर और मसल मोटरसाइकिल व्हेन आई एक्चुअली गॉट दिस न्यूज़। तो अगर आप इस फॉर्म फैक्टर की मोटरसाइकिल्स में आना पसंद करते हैं तो गो अहेड एंड बी माई गेस्ट, एंड दिस इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। बजाय इसके कि आप जाएं और जाकर कोई दूसरे नॉक ऑफ्स खरीदें, गेट दिस मोटरसाइकिल, आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। आई हैव सम रियली गुड वीडियोज कमिंग फॉर यू गाइज, होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगी, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास क्या क्या इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जनाब, सो लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट डू दीज गाइज हैव इन स्टोर फॉर अस। तो ये बेसिकली लीफान की एक अपनी वेबसाइट है, लेट मी सी के मैं आपको दिखा सकूँ। ये इनकी, हाँ जी, लोकेशन है इसकी, lifanmotors.net, ठीक है। आप इस पे चाहेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। V16 इनकी क्रूजर्स में आप जाके देखिए। तो ये मोटरसाइकिल है, और आई कैन गिव अ शाउट आउट टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों ने मुझे खुद इस बारे में बताया कि भाई ये ज़ेमको वालों ने रिलीज़ कर दिया, तो मैंने इसको गूगल किया, और जाहिर है कि लीफान के साथ ये लोग लेकर आते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई, इसकी देखें, यू शेप क्रोम डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स हैं, तो दैट्स अ नाइस थिंग। आवाज़ इसकी अच्छी हो सकती है। हमारे पास, मेरे पास दोस्तों के पास आते हैं बहुत सारे लोग जिनके पास सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिलें होती हैं, और वो आकर यही कंप्लेन करते हैं कि जी साउंड नहीं है। तो बीइंग अ डुअल सिलेंडर आप देख सकते हैं दिस थिंग एक्चुअली इज़ प्रीटी डिसेंट, और आपको आवाज़ तो बड़ी अच्छी देगी, यानी वाकई आपको मज़ेदार आवाज़ देगी। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ऑल दो ये एयर कूल्ड इंजन नज़र आ रहा है, वेल लेट्स सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है इसके साथ, ठीक है। आगे LED है, इन्होंने कहा कि जनाब बड़ी वाइड फील्ड ऑफ विजन देती है, तो लेट्स सी। चाइना का माल हम देख तो चुके हैं, लेकिन सिंस दिस इज़ द प्रोडक्ट, होपफुली इसकी लाइट अच्छी होगी, और इंडिकेटर्स पे भी इन्होंने LEDs दे रखी हैं। सो दिस इज़ अ डिसेंट लुकिंग थिंग। तो देखते हैं कि किस तरीके के ऊपर ये आता है हमारे पास। अच्छा, स्पेशल कस्टमाइज हैंडल बार्स, तो हैंडल बार चलिए ठीक है, जैसे आपके इसके क्रूजर्स के आते हैं। वाइड प्रोफाइल किस्म के हैं, तो मज़ेदार राइड है, और मैं भी समझता हूँ कि दिस थिंग एक्चुअली सूट्स, मतलब ये हमारे जो दोस्त हैं जो बलूचिस्तान में राइड करते हैं या इंटीरियर सिंध के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर राइड करते हैं, उनके लिए तो मज़ेदार ये बाइक है। और तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़ेमको वाले पंजाब शरीफ में ही सिर्फ क्यों उसको रिलीज़ कर रहे हैं। आई थिंक दे शुड इंट्रोड्यूस दिस थिंग इन सिंध एंड बलोचिस्तान, फॉर सिंध एंड बलोचिस्तान गाइज एज वेल। तो ओवरऑल बाइक अच्छी लग रही है। आगे और पीछे डुअल डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, यानी इन्होंने डिस्क ब्रेक दे रखे हैं डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ, तो ब्रेकिंग पावर इज़ डिसेंट। और जो चीज़ मुझे ज़्यादा इसकी मज़ेदार लग रही है, लेट मी शो यू गाइस दिस थिंग, साइड साइड नीचे जहाँ ये देखिए जनाब, तो दिस थिंग हैज़ व्हाट अ मैक्सिमम पावर ऑफ 14 किलोवाट्स एट 8000 RPM। विच शुड मीन कि अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो इट मेक्स ऑलमोस्ट 19, लाइक 18.78 समझ लीजिए, यानी तकरीबन 19 हॉर्स पावर बनाती है ये। सो विच इज़ एक्चुअली प्रीटी डिसेंट। और अगर ये इसकी टॉर्क 19 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM है, तो आई गैर सी हाउ मच पाउंड फीट ऑफ टॉर्क इट एक्चुअली इज बिन मेकिंग। लेकिन इसका एक मज़े की बात यह है कि ऑल दो इट्स नॉट गना विन यू मैनी रेसिस फॉर इन 250 cc सेगमेंट, तो इसकी कोशिश मत कीजिएगा, और 125 वगैरह से भी रेसिंग मत लगाइएगा, लेकिन दिस मेक्स फॉर अ रियली फन राइड, और दो बंदे भी बैठ के इस पर सफ़र करें तो आई थिंक इट्स गोना बी क्योर। और अब ये टाइम विल टेल कि इसके अंदर क्या क्या कस्टमाइजेशंस की जा सकती हैं मज़ीद। अच्छा, मैक्स स्पीड 120 आई थिंक इज़ अचीवेबल, आई थिंक इट्स क्रॉसेबल, 120 से भी अबव जाएगी इंशाल्लाह। और 130/90/15 का टायर लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ये वाइड प्रोफाइल नज़र आ रहा है, और आगे इन्होंने 90/90/18 का लगा रखा है। तो
تو 2.7 پر 100 کلومیٹر یہ تقریباً 37 یا 38 کلومیٹر فی لیٹر آپ کو دے دے گی فار اے 250 سی سی موٹر سائیکل مطلب دس ناٹ بیڈ اینڈ 10:1 کمپریشن ریشو جس کی وجہ سے یہ ہائی آپ کو ٹارک بھی دے رہا ہے تو اوور آل ڈیسنٹ بائک لیٹس سی کہ کیا آتی ہے آپ لوگ ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا واٹ یو گائز تھنک اباؤٹ دس بائک اور آئی ہیو یٹ ٹو سی اٹ ان پرسن ہوپ فلی آل ٹرائی ٹو کانٹیکٹ گائز ایم کو ٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر گائز اللہ حافظ رائٹ سیف ویئر ہیلمٹ